तो गाइस जैसे क्या संडे है तो आज स्पेशल बनेगा ब्रेकफास्ट में, हस्बैंड की छुट्टी है तो बताओ इंडोर गेम कौन से बताओ। इंडोर गेम ये। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शोभा कार्की में। और आज है संडे, सुबह के बज गए हैं 9:16 हो रहे हैं, अभी 9:15 बज चुके हैं और नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं एक नए दिन के। तो गाइस जैसे क्या संडे है तो आज स्पेशल बनेगा ब्रेकफास्ट में, हस्बैंड की छुट्टी है तो आज मैं बनाने वाली हूँ पास्ता, तो जल्दी से बनाते हैं। वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और जल्दी जल्दी बना के खाते हैं और क्या। गाइस पास्ता मेरा बन चुका है और अब मैं बना रही हूँ चाय, मजा आता है ना चाय के साथ। तब तक हम भिगा देते हैं गुलाब जल में, खत्म हो गया ये भी लेके आना है। रेडी आ जाओ भाई, कहाँ हो, एक आ गया। क्या खुश हो गया इधर मटेरियल देख के, जल्दी कम ऑन प्लीज भाई 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 छाती करना स्टार्ट मत कर दे यार, तुसी ना कर दियो, तुसी के लिए यहाँ पे है ना। सो गाइस 11 बज चुके हैं और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है, उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं आज मैं बनाने वाली हूँ दाल मखनी, तो उसको मैं उबालने के लिए रख देती हूँ बॉईल होने के लिए, तो हल्की आंच में अपने आप बॉईल होता है वो, वैसे भी ज़्यादा पकाना रहता है ना इसको। तो यहाँ पर मैंने भिगाए थे कल उड़द और राजमा, इसको मैं डालती हूँ कुकर में और एक तेज पत्ता और हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के उबालने रख देती हूँ। उसके बाद मैं लगाऊंगी मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद मेरे को करनी है थोड़ी सी एडिटिंग, फिर उसके बाद वीडियो अपलोड करूंगी, देन लंच बनाने के टाइम हो जाएगा। ये देखो हल्दी नमक डाल दिया है एक, ये भी डाल दिया है, मिक्स करके रख दिया है इसे अब। तो दोस्तों फाइनली थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल कर मैंने यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी को गुलाब जल में भिगाया था जैसे कि आप लोगों ने देखा, और थोड़ी सी मैंने हल्दी भी डाल दी है। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जिसके भी पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है उनकी स्किन के लिए, और जिसकी ऑयली स्किन है उसके लिए तो इतना बेटर है, वो नींबू डाल सकते हैं, और जिसकी ड्राई स्किन है वो लोग इसमें हनी मिला सकते हैं, काफ़ी मॉइस्चराइज हो जाती है स्किन तो काफ़ी अच्छा रहता है, टैनिंग वगैरह रिमूव हो जाती है, और जिसके ओपन पोर्स हैं वो भी इसको लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। और 15 मिनट के बाद मैं इसको धोऊंगी और मिलूंगी आप लोगों से। एंड यहाँ पर हस्बैंड सिखा रहे हैं कल्पना को कि कैसे खेला जाता है बास्केटबॉल। बताओ इंडोर गेम कौन से बताओ। इंडोर गेम ये वाला, देखो पहले रुमाल हम इसको देंगे और ना जब म्यूजिक बंद हो जाएगा कैरम, लूडो और लहंगा कौन, और चेस,
यस बिल्कुल सही। लायरा कौन? और वैसी अंतराक्षी। हाँ अंताक्षरी। हाँ वही खेलता अंताक्षरी। यस जितने भी सब तू बोल रही है ना, चेस वो मेरे पास है, कैरम बोर्ड मेरे पास है, लूडो मेरे पास है। आप तुम लोग अंदर क्या खेलोगे? अंदर यही खेलोगे ना? इंडोर गेम्स में? हाँ। ये तो नहीं खेलोगे? no. बास्केटबॉल मैं तो खेलना भाई। ऐसे हो जाएगा आंटी, कहीं ये वाली फुट टूटेगी, ये वाली ये। हाँ तो ये सारा टूट जाएगा जो भी ऊपर रखा है। आंटी आपको पट्टी में खेलते बताना। हाँ ये सब टूट जाएगा ना ये आंटी। और उस दिन की तरह ना एक हाथ भी टूट जाएगा। हाँ वो गिफ्ट टूटा था ना उस दिन, याद है ना? तो ऐसे इंडोर गेम अंदर और आउटडोर बाहर भी खेलोगे? ओके बधाई हो। बधाई वाला गाना गाओ। तो आप भी तो दद्दा बन गए ना। हाँ, आपकी बहन ही ये छोटी छोटी बढ़ा जाता है, बड़ी बहन। आप अकेले? बाप रे गजब कट करी है इसने तो। किसने बताया ये कट के बारे में? पापा आए तुम्हारे? मम्मी कब आए? और मेरी मम्मी तो बिल्कुल भी फैशन नहीं करती, मेरी मम्मी पूरा लगवा देती है पूरा। अच्छा अच्छा आपका तो जीरो पापा ना। ओह माय गॉड इधर आओ जरा, इधर को अब मुड़ो। ये देखो इतना छुटकन सा बच्चा और इसका कटिंग देखो जरा, क्या फैशन है यार, गजब। मेरे पापा भी गजब भाई गजब। आंटी मेरे भी पापा ऐसे ही फैशन कराते हैं, पर मम्मी तो अच्छा मम्मी करवा देती है सारा। मेरी मम्मी फैशन ही नहीं कराती, सिर्फ मेरे पापा कराते हैं। हाँ मेरे भी पापा। ये लोग सब मम्मियों की चुगली कर रहे हैं। ये वीडियो तुम्हारी मम्मी को भेजूंगी मैं, रुको तुम। सारा मम्मी लोगों की चुगली कर रहे हैं यहाँ पे सब लोग हैं। अंकल आफ्टर 15 मिनट्स आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे से सूख गया है। और आप लगाएंगे ना तो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है फेस की, क्योंकि बोलना भी नहीं है, क्योंकि टाइट रहता है ना फेस तो लूज़ हो जाता है, थोड़ा सा स्किन लूज़ हो जाती है, दैट्स वाई। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से ड्राई कर लिया, उसके बाद मैं मॉइस्चराइज कर लूँगी अपने फेस को। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे सनस्क्रीन यूज़ करी, क्योंकि मैंने दिन में ये लेप लगा रखा है। वैसे मुझे इवनिंग में ज़्यादा पसंद है, बट मेरे को इसी टाइम पर टाइम मिला तो मैंने तब लगा लिया। और अपनी स्किन को सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप दोपहर में इसको लगा रहे हैं तो, इवनिंग में लगा रहे हैं तो दैट्स फाइन। आप लोग लगा के मॉइस्चराइज करके सो सकते हैं तो काफी अच्छा लगेगा सुबह को आपकी स्किन। एंड अब देखो ये कुछ ऐसी लग रही है स्किन, थोड़ी सी ग्लोइंग और अच्छी अच्छी फील आ रही है। बन चुके हैं और मैं बनाने लगी हूँ खाना, और मेरा चार्ज एकदम खत्म हो चुका है तो मैं इसको लगा रही हूँ चार्जिंग पे। एंड वीडियो भी अपलोडिंग पे लगा देती हूँ साथ ही में, तो दोनों काम हो जाएंगे। और मैं तब तक बना लेती हूँ अपना दाल मखनी। एंड यहाँ पे हस्बैंड गए हुए थे मार्केट तो वो आ गए हैं, और ये जो मैंने दिया था अल्ट्रेशन के लिए कपड़ा वो आ चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर मेरा बाबू अपने हाथ से खुद खाना खा रहा है और बहुत क्यूट लग रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको कैप्चर कर लिया जाए। और आप लोग बताओ आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट्स। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर। और थोड़ा सा टाइम आप लोग भी निकाल लो अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए। रोज़ एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, या फिर कुछ पढ़ लो, रोज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा वॉक डांस ये सब काफ़ी अच्छा लगता है और माइंड एकदम अच्छा बना रहता है, स्ट्रेस फ्री। तो बाय।